ग्रामीण बस सेवा शुरू होने पर जताई खुशी, चालको परिचायक का किया गया स्वागत। सीकर में ग्रामीण इलाकों के लिए शुक्रवार से रोडवेज ने एक नई ग्रामीण बस सेवाएं शुरू की गई। इस सुविधा शुरू होने से ग्रामीण इलाकों में उत्सुकता का माहौल देखा गया। गांव में जब ये बसें पहुंची तो उनके चालकों को लोगों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। सीहोर छोटी गाँव में रोडवेज की बस सेवा शुरू होने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। रामचंद्र नेहरा व शहीद के पिता रतन लाल ढाका ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीहोर छोटी सरपंच सूबेदार झाबरमल ओला ने बताया कि गांव में अब तक निजी बसें ही यात्रा के साधन थे, मगर अब रोडवेज की ग्रामीण बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों को इसका काफी लाभ मिलेगा। इस अवसर पर सरपंच झाबरमल ओला, रामचंद्र नेहरा, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि विक्रांत सिंह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मण ओला, पूर्व सरपंच वीरमा राम नेहरा, वार्ड पंच सम्मान सिंह जगदीश ढाका, महेंद्र विष्णु शर्मा, वकील मोती पारेख, गोपी राम ओला, श्रीचंद ढाका, हरी ढाका, भेबा राम ढाका, सुल्तान योगेश कुमावत, जगदीश नेहरा, सांवरा नेहरा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज ग्रामीण बस सेवा का संचालन शुरू किया गया है। हमारी ग्राम पंचायत में माननीय मंत्री प्रताप सिंह जी खत्री आवास आए थे, उनके सामने ग्रामवासियों ने ये समस्या के बारे में अवगत कराया था, तो उन्होंने तुरंत ही आश्वासन दिया था। उसी आश्वासन के तहत आज ग्रामीण बस सेवा का शुभारंभ किया गया। इस रूट पे इससे पहले आज़ादी के बाद कभी कोई रोडवेज नहीं चली। आज पहली बार इस रूट पे राजस्थान रोडवेज की बस चली है। निश्चित तौर पे ग्रामवासियों में और पंचायत में जो गांव हैं उनमें बहुत उत्साह है और लोगों को इस रोडवेज से जो भी रियायत मिलती है उन रियायतों का पूरा फायदा होगा और लोग पूरा बढ़ चढ़ के इस रोडवेज को चलाने में पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।